dear students, today we will cover our last topic of this chapter, that is abnormal molar mass and Van 't Hoff factor, that is also included in the same topic. So beta, what about abnormal? Abnormal is what? That is not normal. जो चीज नॉर्मल ना हो दैट इज अबनॉर्मल. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एबनॉर्मल मोलर मास. मीन्स इट इज अ मोलर मास. किसका मोलर मास है बेटा? ये सोल्यूट का. इट इज अ मोलर मास दैट इज ईदर लोअर और हायर देन दैट ऑफ नॉर्मल मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट. किसी भी सोल्यूट का जब वो सॉल्वेंट में मिक्स होता है तो बेटा या तो वो अपने नॉर्मल मास से मोलर मास से नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा आए या फिर कम आए. दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. सो बेटा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एबनॉर्मल मोलर मास? कि क्या कारण है कि कोई भी सोल्यूट अपना नॉर्मल मोलर मास ना शो करके या तो इंक्रीज शो करे या फिर डिक्रीज. दैट इज बेटा ईदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट. ये सोल्यूट के टाइप पर डिपेंड करेगा दैट इट विल डिसोसिएट एसोसिएट और रिमेन्स द सेम. अगर सोल्यूट में ना तो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी है और ना ही डिसोसिएशन की सोलवेंट में ऐड करने के बाद, तो बेटा इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा उसके मोलर मास में. बट द टू कंडीशंस इन विच ईदर देयर इज डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. या तो सोल्यूट पार्टिकल बेटा डिसोशिएट हो या फिर सोल्यूट पार्टिकल क्या हो? एसोशिएट हो. सो फर्स्ट अगर डिसोशिएशन हो तो बेटा वी आर कंसिडरिंग NaCl. NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट विल ब्रेक इनटू इट्स आयंस, दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. नाउ अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. हियर वी एडेड वन मोल ऑफ NaCl एंड इट डिसोशिएट इनटू वन मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड वन मोल ऑफ Cl नेगेटिव. सो अगर हमें इसको अच्छे से क्लियर करना है बेटा तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ दैट NaCl डिसोशिएट टू गिव Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव. हियर वी टेक वन मोल ऑफ NaCl दैट इज एट स्टार्टिंग. जब स्टार्टिंग में हमने NaCl वन मोल लिया बेटा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव वर नॉट प्रेजेंट, वो डिसोशिएट होना स्टार्ट नहीं हुआ था. आफ्टर सम टाइम दैट इज एट टी टाइम वन मोल ऑफ NaCl कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू इट्स आयंस. ये कितना हो गया बेटा? जीरो मोल. एंड Na पॉजिटिव इज आल्सो वन मोल एंड Cl नेगेटिव इज आल्सो वन मोल. इस टाइम पर बेटा हमें एक फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है दैट इज Van 't Hoff फैक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. आई इज व्हाट बेटा? Van 't Hoff फैक्टर. एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम Van 't Hoff फैक्टर को? जब भी किसी सोल्यूट में ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है देन Van 't Hoff फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है. दैट इज अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, सो बेटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने बेटे शॉर्ट में लिखा है. ऑब्जर्व मीन्स दैट इज ईदर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एंड कैलकुलेटेड इज व्हाट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. ये क्या है बेटा, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. या हम ये कह सकते हैं दैट बिफोर और नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी दैट इज कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड ऑब्जर्व इज आफ्टर ईदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. नाउ अगर हम यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सो बेटा ऑब्जर्व दैट इज आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो यहां पर क्या हुआ है बेटा डिसोसिएशन, दैट इज 1+1 कितनी वैल्यू आई हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की 2, एंड कैलकुलेटेड वैल्यू इज 1 दैट इज 2. नाउ अगर हम आई को चेक करें दैट इट इज ग्रेटर और लेसर देन 1, देन 1 से क्या है बेटा 2 ग्रेटर, दैट इज आई की वैल्यू क्या होगी बेटा ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन. क्लियर बेटा, जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज, एंड जब नंबर ऑफ मोल्स पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड करती है दैट मींस नंबर ऑफ मोल व्हेन इंक्रीजेस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी. बट अगर हम यहां पर मोलर मास को कैलकुलेट करें, इफ वी कैलकुलेट द मोलर मास, सो बेटा अगर यहां पर हम वेंट ऑफ फैक्टर में फॉर्मूला को देखें तो एक फॉर्मूला तो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एंड सेकेंड वन विल बी रिलेटेड टू मोलर मास. नाउ अगर हम मोलर मास की तरफ आए तो बेटा जब डिसोसिएशन हुआ तो हमारा जो 1 NaCl का मोलर मास था दैट विल बी ग्रेटर देन एनी 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. यहां पर बेटा 1 मोल NaCl में Na प्लस Cl नेगेटिव दोनों का ही मोलर मास का एडिशन था. बट अगर हम 1 मोल Na पॉजिटिव या 1 मोल Cl नेगेटिव को कंपेयर करें NaCl से तो मोलर मास यहां पर क्या हुआ बेटा डिक्रीज, मोलर मास डिक्रीजेस. एंड वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेटा मोलर मास की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज. NaCl के 1 मोल से जो मोलर मास आएगा Na पॉजिटिव का या फिर Cl नेगेटिव का वो क्या होगा बेटा कम होगा 1 मोल ऑफ NaCl से. क्लियर, तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन के केस में क्या होते हैं इंक्रीज बट मोलर मास डिक्रीजेस. सो हम इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हम इसको मोलर मास से रिलेट करें दैट इज आई विल बी इक्वल टू, ये क्या है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हमारी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिवीजन में थी अब वो कहां आ जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास की फॉर्म में ऊपर, और डिवीजन में क्या चला जाएगा बेटा ऑब्जर्व मोलर मास. क्लियर बेटा, जब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्स रिलेशन है तो आई की वैल्यू भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी उल्टी. यहां पर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी,
बट यहाँ कैलकुलेटेड मोलर मास कहा गया ऊपर, इन विच नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। और ये क्या है अपना आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर, यहां पर तीन पॉइंट मेन है बेटा, दैट इज आई विल बी ग्रेटर देन वन फॉर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन में क्या होंगे बेटा इंक्रीज एंड मोलर मास विल डिक्रीज। क्लियर, नाउ इफ वी कंसिडर एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, इट इज व्हेन एडेड इन बेंजीन, ये बेटा इक्विलिब्रियम में होगा तो यहां पर भी क्या आएगा इक्विलिब्रियम का साइन। और बेंजीन में एसिटिक एसिड, व्हेन एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन इट विल डाइमराइज CH3COOH एंड CH3COOH। यहां पर बेटा इन दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन या इन दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट विल फॉर्म अ डाइमर, दैट इज वी कैन राइट दैट CH3COOH हाउ मेनी बेटा टू इन बेंजीन विल फॉर्म अ डाइमर। क्लियर बेटा, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग में व्हेन टी वाज जीरो कितने थे बेटा टू मोल एंड यहां पर कितने थे जीरो मोल, क्योंकि जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई हमने सोल्यूट को ऐड ही नहीं किया तो टू मोल ही रहेंगे, यहां पर कोई भी डाइमर नहीं बनेगा। एट टाइम टी किसी भी एक टाइम पर यहां पर बेटा ये जो टू मोल है ये क्या हो गए डाइमर हो गए एंड कितने रह गए जीरो एंड नाउ हियर कितने मोल बने बेटा वन मोल, मोल कितने है बेटा वन, एक मोल में टू मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व है बट मोल कितना है वन। नाउ अगर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट इज ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। नाउ बेटा अगर हम मोल्स की बात करें दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, सो बेटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज ऑब्जर्व मीन्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितने आए बेटा डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद वन मोल एंड स्टार्टिंग में कैलकुलेटेड कितने थे बेटा 1.1 by दैट इज 0.5। नाउ I is less than 1 when association of solute particle takes place I की value क्या होगी बेटा less than 1, dissociation में I क्या था greater than 1 and molar mass इसका क्या होगा बेटा उल्टा, that is I अगर ज्यादा होगा तो molar mass क्या होगा कम, if I is less then molar mass will be high. Clear? Now, here is another term that is alpha. Alpha kya hai beta? It is either degree of dissociation or degree of association. Agar kisi bhi solute mein uske number of moles ko observe kare, to uske number of moles कितने एसोसिएट हुए हैं या कितने डिसोसिएट हुए हैं दैट इज डिग्री ऑफ आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अल्फा इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट अंडरगोज ईदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन,
कि टोटल सोल्यूट में से कितने नंबर ऑफ मोल्स में डिसोसिएशन किया है और कितने नंबर ऑफ मोल्स में क्या किया है एसोसिएशन। या तो बेटा डिसोसिएशन होगा या फिर एसोसिएशन। तो अगर डिसोसिएशन हुआ इट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर एसोसिएशन हुआ देन इट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। दोनों ही केसेस में किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अल्फा से। क्लियर। नाउ अगर हम एक एग्जांपल को कंसीडर करें फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर हम वेंटो फैक्टर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर वो सोल्यूट कंप्लीट डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो, इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स किए थे दैट वर अबाउट कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नाउ अगर इनकम्प्लीट हुआ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स जल्दी से हम अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कंप्लीट करेंगे। दैट इज इफ वी हैव अ सॉल्यूट व्हिच कांट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, CH3COOH जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेगा बिकॉज ये क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। सो व्हेन T इज इक्वल टू जीरो, T जीरो दैट मींस जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई या सॉल्यूट को ऐड नहीं किया गया, लेट दीज आर 100 मोल एंड दीज विल बी जीरो एट टाइम T। एनी टाइम T पर 100 में से मान लिया 50 मोल्स डिसोसिएट हुए और यहां पर कितने बने बेटा 50 एंड 50। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, दैट आर दीज 50 प्लस 50। ये दोनों तो ऐड हो गए बट इसमें से भी तो कुछ बचा हुआ है, दैट इज 100 माइनस 50। और हम ये कह सकते हैं कि 50 भी बचे हुए हैं, दैट विल बी 50 प्लस 100 इक्वल्स टू 150। नाउ अगर हम यहां पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें और वेंट ऑफ फैक्टर निकालें, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट आर डिसोसिएटेड। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने डिसोसिएट हुए हैं बेटा 50, कितने में से 100 में से। यहां पर मैं फिर से फॉर्मूला लिख रही हूं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड दीज आर 50 अपॉन 100, दैट इज 0.5 इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ आई क्या है बेटा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व दैट मींस आफ्टर डिसोसिएशन। सो आई की वैल्यू क्या आई बेटा, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 150 एंड कैलकुलेटेड दैट आर जो हमने स्टार्टिंग में ऐड किए थे कितना आया बेटा ये 1.5। I की वैल्यू क्या आई है 1.5। ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अगर हम इसी टर्म को जनरल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करें, अगर हमारे पास है ए टाइप ऑफ सोल्यूट जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं एन टाइम्स, तो इसको अगर हम डिसोशिएट करेंगे या ये सोल्यूट जब सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो इसके n नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे ए टाइप ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर।
नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, ये कितने थे बेटा वन मोल, यहां पर कितना है वन, यहां पर कितने थे जीरो एट टाइम टी, टी टाइम पर वन में से कुछ मोल क्या हुए बेटा डिसोशिएट, जो हम कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन से, इफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और ये बेटा किसके इक्वल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, टोटल नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल कितने हैं बेटा यहाँ पर हमारे वन, अगर हम यहाँ पर टोटल डिसोशिएटेड नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो ये किसके इक्वल आएंगे अल्फा इनटू वन दैट इज अल्फा, टोटल नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मोल्स कितने हैं बेटा अल्फा, वन में से अल्फा डिसोशिएट हुए और यहाँ पर कितने बने वन में एन बन रहे थे तो इसमें से कितने बनेंगे बेटा एन अल्फा, क्लियर, वन में बने एन तो अल्फा में कितने बने एन अल्फा। अब आते हैं आई पर, आई क्या है बेटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट आर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने हैं एन अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा, जो बेटा हमने यहां से निकाली थी कि 50 प्लस 50 प्लस 100 माइनस 50 कितना आया था 150, और यहां पर ये आया है n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जो डिसोसिएशन से पहले थे 1 मोल, i की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 को लिखे चाहे ना लिखे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर माइनस टर्म अल्फा और एन अल्फा को हम इकट्ठा रखेंगे, वन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये बन जाएगा आई माइनस वन इक्वल्स टू एन अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन लिया क्या बचा बेटा एन माइनस वन आई माइनस वन, अल्फा अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा बेटा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये क्या हो गया हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रैंडम फैक्टर या फिर नंबर ऑफ मोल्स। इन डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम CH3COH ऐड करेंगे किसमें बेंजीन में एंड इट विल फॉर्म, अगर हमने यहाँ पर टू मोल्स लिए हैं तो बेटा क्या बनेगा डाइमर, क्लियर, इफ T is equal to zero, यहाँ पर कितने मोल माने हमने 100 मोल, ये कितने थे zero at T time, इसमें से कुछ मोल्स क्या हुए बेटा एसोसिएट हुए जो कि कितने हैं 50 मोल्स एसोसिएट हुए, टू मोल कितने मोल बना रहे बेटा वन, टू मोल आफ्टर एसोसिएशन फॉर्म वन मोल, तो 50 मोल कितने बनाएंगे बेटा 50/2 दैट इज 25, टू मोल में वन मोल बना, वन मोल में कितना बना 1/2, 50 में कितना बना 50/2, क्लियर, कितने बने 25 मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर जो हमने डिसोसिएशन के बाद निकाले थे यहां पर क्या निकालेंगे आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 25 प्लस 100 माइनस 50 कितना आया बेटा ये 75। नाउ यहां पर क्या निकाला था अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड की जगह पर क्या आएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स जो स्टार्टिंग में लिए, स्टार्टिंग में कितने लिए एसोसिएटेड कितने हैं 50 और स्टार्टिंग में कितने थे 100 में से 50 एसोसिएट हुए तो ये कितना आया 0.5, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया था 0.5, बट इन दोनों का यहाँ पर रिलेशन नहीं है। नाउ आई क्या है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
या टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने आए थे बेटा 75 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 100 कितना आया 0.75 जो यहाँ कितना आया था 1.5 यहाँ पर हमने एक जनरल रिलेशन निकाला था यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टाइप ऑफ सॉल्यूट टू फॉर्म ए टाइप ऑफ सॉल्यूट दैट आर फॉर्मिंग जैसे डाइमर बनाया है ऐसे ही बेटा हमने इसको क्या किया था ट्वाइस तो ये क्या हुआ ए एन नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो इफ वी हैव वन मोल ऑफ ए टाइप ऑफ सॉल्यूट ये कितने थे जीरो एट टी टाइम इसमें से कुछ मोल्स क्या हुए बेटा एसोसिएट हुए जैसे हमने यहाँ पर निकाला था अल्फा इज इक्वल टू टोटल मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स टेकन इन स्टार्टिंग विदाउट एसोसिएशन तो एसोसिएशन से पहले कितने थे बेटा वन टोटल मोल्स कितने थे वन एंड टोटल मोल्स जिन्होंने एसोसिएशन किया एसोसिएटेड कितना हुआ अल्फा अल्फा इंटू वन अल्फा तो यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा अल्फा एसोसिएट हुए तो ये आपको यहाँ पर भी बता रहा था कि 50 में से 25 बन रहे हैं या दो में से एक मोल बना तो अल्फा में से कितने बनेंगे अल्फा बाय एन दो में से एक बन रहा है 50 में से कितने बने 25 तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा एन से जैसे 50 को हमने डिवाइड किया था 2 से तो यहाँ पर ये कितने से डिवाइड होगा एन से सो अगर हम यहाँ पर आई को कैलकुलेट करें तो आई क्या होगा बेटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने थे 1 जैसे हमने यहाँ पर किया था ये कितने से डिवाइड था 1 से और ये क्या थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्लियर यहां पर भी बेटा हम 1 को रिमूव करेंगे एंड दिस वन कम्स ऑन लार लेफ्ट हैंड साइड आई माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस की टर्म पहले ले ली एन माइनस की बाद में तो आई माइनस 1 टेकिंग एलसीएम अल्फा माइनस एन अल्फा इसमें से बेटा क्या कॉमन आ जाएगा अल्फा 1 माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू आई माइनस 1 ये क्या हो जाएगा बेटा n इंटू आई माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई एन आ जाएगा नीचे एंड इट विल बी अल्फा ये हो गई डिग्री ऑफ एसोसिएशन नाउ बेटा न्यूमेरिकल पर जाने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना भूल गई या बताना भूल गई दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ i कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में i का क्या सिग्निफिकेंस है या कहाँ पर यूज होता है बेटा i की 3 वैल्यूज थी दैट आर i ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 और अगर कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना आएगा i इज इक्वल टू 1 अब बेटा जो भी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी दैट वर फर्स्ट वाज रिलेटिव फर्स्ट अगर हम बात करें तो रिलेटिव लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट किसके इक्वल था इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आई से सेकंड क्या थी डेल्टा टी बी वाज इक्वल टू के बी इंटू एम सो यहां पर भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आई थर्ड डेल्टा टी एफ में भी क्या होगा बेटा के एफ इंटू एम के साथ पर क्या हो जाएगा आई एंड फोर्थ वन पाई इज इक्वल टू सी आर टी में भी क्या मल्टीप्लाई होगा
आए। ये जो वैन टू फैक्टर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आनी चाहिए थी उससे। ठीक है बेटा, ये चेंज आएगा अगर कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है। नाउ अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें क्या ऐड किया गया है बेटा, W2 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 × 10⁻²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 ⁻⁻²⁻⁻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 
कितने के देगा बेटा ये 2 2k पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोशिएट हुए 3 बिकॉज यहां पर क्या बोला है दैट वी हैव टू अज्यूम कंप्लीट डिसोशिएशन वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस वी हैव टू ऐड 273 एंड इट विल बी 298 केल्विन आर की वैल्यू दी हुई है मोलर मास दैट इज m2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सो बेटा pi इज इक्वल टू CRT बट वी हैव टू मल्टीप्लाई CRT बाय I नाउ pi हमें कैलकुलेट करना है I की वैल्यू कितनी है बेटा 3 इंटू सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू आर इंटू टी हमारे पास सारी वैल्यूज हैं हमें सिर्फ क्या करनी है बेटा कैलकुलेशन 3 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू आर 0.0821 इंटू 298 दैट इज टेम्परेचर वॉल्यूम ऑलरेडी किसमें है बेटा लीटर में दैट इज 2 लीटर इंटू m2 कितना है m2 174 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0052 एटमोस्फेयर या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5.2 इंटू 123 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 एटमोस्फेयर क्लियर दिस इज द आंसर नाउ बेटा वी कम ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन विच पोटेशियम फेरोसाइनाइड दैट इज K4FeCN6 इज गिवन एंड ऑन डिसोसिएशन इट विल गिव 4 मोल ऑफ K पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ FeCN6 नेगेटिव आयन इन दिस न्यूमेरिकल डेसी मोलर सॉल्यूशन मींस m/10 सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी क्या हो 1/10 दैट इज 0.10 मोलर ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड 50% डिसोसिएटेड मींस अगर 100 है टोटल तो उसमें से कितना डिसोसिएट हुआ 50 एंड इट इज 0.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर इज 300 केल्विन आर 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करें इट विल बी आई इंटू सी आर टी अगर हमें आई की वैल्यू मिले सी की वैल्यू क्या हुई बेटा कंसंट्रेशन 0.1 आर 0.0821 इंटू टी दैट इज 300 नाउ आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी बेटा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव दैट मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन के बाद आए वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इस इक्वेशन को समझे यहां पर कितने मोल्स हैं बेटा 1 मोल
when time is equal to 0, ये मैं आपका यहां से रब कर देती हूँ, मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर, m is equal to 0.1 और हम इसको लिख सकते हैं c, क्लियर। स्टार्टिंग में बेटा कितने मोल थे, 1 मोल, ये कितना बना था 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी मानी है बेटा हमने, अल्फा, तो अल्फा यहाँ पर ब्रेक हो गए, कितने मोल बने, 4 मोल्स ऑफ अल्फा एंड 1 मोल्स ऑफ अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, इट इज 1 प्लस 4 अल्फा एंड दिस वैल्यू इज ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 1 प्लस 4 अल्फा इज ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कितनी थी बेटा, 1। आई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 प्लस 4 इंटू अल्फा क्या है बेटा 0.5, 4 × 0.5 विल बी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3 वी विल गोट आवर आंसर 0.0821 इंटू 300 इट विल बी 7.389 एंड प्रेशर इज इन एटमोसफेयर, दिस इज आवर आंसर।